अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हांटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो यार, आज की जो वीडियो ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में पांच ऐसे स्मार्टफोन ऐड करने वाला हूं जो कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी या फिर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते हैं 15,000 के अंदर। क्योंकि ये जो प्राइस बजट कैटेगरी होती है ना, इसके अंदर या तो लोग आईफोन के साथ सेकंड स्मार्टफोन रखते हैं क्योंकि नॉन पीटीए की वजह से, या फिर वो लोग इस कैटेगरी में स्मार्टफोन बाय कर रहे होते हैं जिनको एक लो बजट स्मार्टफोन चाहिए होता है या फिर लो बजट स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो ये आज की वीडियो उनके लिए होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे 15,000 की कम की कैटेगरी के अंदर, और एक दो स्मार्टफोन मैं आपको पर्सनली भी बताऊंगा कि आपको इन स्मार्टफोन की तरफ कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। अब लिस्ट स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताता चलूं, इस लिस्ट में जितने भी स्मार्टफोन ऐड किए वो सारे मैंने यूज स्मार्टफोन ऐड किए, तो आप इसको यूज स्मार्टफोन की कैटेगरी के हिसाब से जज कीजिएगा। अब इस लिस्ट में जो पहला स्मार्टफोन ऐड करने वाला हूं वो ओप्पो की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ओप्पो A15। अगर स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करूं तो मीडियाटेक का हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 6.52 इंचेस का आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 15,000 की कम कैटेगरी है तो ऑब्वियसली बात है कि 720 पिक्सल वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, साथ आपको 22 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग वगैरह इंक्लूड नहीं की गई, तो फास्ट चार्जिंग कहां से मिलेगी 15,000 के अंदर। एक और चीज, 3GB RAM 32GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, तो ये स्मार्टफोन काफी कमाल स्मार्टफोन है, आप इस स्मार्टफोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूं तो ये स्मार्टफोन आपको अराउंड 12-13,000 के दरमियान देखने को मिलेगा यूज कंडीशन में। इन स्पेक्स के साथ 12-13,000 में ये स्मार्टफोन आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकता है, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जरूर जा सकते हैं। इस लिस्ट में जो सेकंड स्मार्टफोन है वो आपको वीवो का Y12 देखने को मिल सकता है, जिसकी अगर स्मार्टफोन की बात करूं तो मीडियाटेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 6.35 इंचेस के साथ आपको 1080p के साथ नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है और जो कलर्स है वो आपको काफी कमाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि 1080p रेजोल्यूशन है। अगर आप 720 पिक्सल वाले डिस्प्ले से मूव करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफी फर्क फील होगा। इसके अलावा 3GB की रैम है, 32GB की स्टोरेज है, बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। अब इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया, तो ये भी एक काफी कमाल चीज है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां तो प्रोवाइड नहीं करती, अगर करती भी है तो 2 मेगापिक्सल का होता है मैक्रो, तो इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, तो ये काफी कमाल चीज है। अगर आप फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जिसके साथ अपनी सेल्फीज वगैरह ले सकते हैं। सिक्योरिटी वाइज बात करें तो बैक पे फिंगरप्रिंट है और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब 5000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन में ऐड की गई है, फास्ट चार्जिंग वगैरह कोई भी इंक्लूड नहीं की गई, नॉर्मली होती भी नहीं है, तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे माइक्रो यूएसबी आपको चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, तो ऑल इन ऑल ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छा और आपको काफी डिसेंट स्पेक्स के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूं तो यूज कंडीशन में आपको अराउंड 15,000 के आसपास ये देखने को मिल जाएगा, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो थर्ड स्मार्टफोन ऐड करने वाला ना भाई, ये स्मार्टफोन वाकई कमाल स्मार्टफोन है, क्योंकि ये अभी न्यू स्मार्टफोन आया और ये भी आपको वारंटी में देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन की बात करूं तो इसका नाम है टेक्नो स्पार्क 8C। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं तो यार, इसके अंदर आपको 6.6 इंचेस का नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 1080p की रेजोल्यूशन है, 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टाइगर 3606 वाला प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, एवरेज परफॉर्मेंस है, क्योंकि अगर इस प्रोसेसर की बात करूं तो इसकी परफॉर्मेंस आपको G35 के आसपास ही देखने को मिलती है, तो खास इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा अगर स्मार्टफोन की स्टोरेज रैम की बात करूं तो इसके अंदर आपको 3GB की रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, और साथ आपको 3GB की एक्सपेंडेबल रैम देखने को मिलती है। बैक पे ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर जो मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, साथ आपको QVGA सेंसर, और अगर आप फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग वगैरह कोई भी इंक्लूड नहीं की गई है। अगर सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा स्मार्टफोन है, आप इस स्मार्टफोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूं तो अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था और जो इसकी प्राइस टैग था ना वो 18 से 20,000 के दरमियान में कहीं पे था, तो ये आपको यूज कंडीशन में अराउंड 15 के आसपास देखने को मिल जाएगा, वारंटी में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा रिसर्च करके लीजिएगा तो ये आपको इजीली 15,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस लिस्ट में जो चौथे नंबर पे स्मार्टफोन ऐड करने वाला ना, ये स्मार्टफोन काफी कमाल होने वाला है, क्योंकि इसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 11। अगर इस रेंज की बात करूं तो इस रेंज में आपको वैसे तो हॉट 8, हॉट 9 ये स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हॉट 11 भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इसको ढूंढ सकते हैं या आप इसको कैसे ले सकते हैं। अगर स्मार्टफोन की बात करूं तो इसके अंदर आपको 6.6 इंचेस का नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, एक गेमिंग प्रोसेसर लगाया गया स्मार्टफोन में, मीडियाटेक का हीलियो G70,
जो कि आपको गेमिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगा। इसके साथ आपको PUBG स्मूथ के साथ HD पे देखने को मिल जाएगी, तो गेमिंग वाइज भी ये स्मार्टफोन ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगा, ये अगर आप नॉर्मल परफॉर्मेंस भी लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। बैक पे ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर जो मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल के साथ आपको QVGA सेंसर देखने को मिलता है, और जबकि फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। अगर स्मार्टफोन के आप सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। 5200mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, एक बड़ी बैटरी है, लेकिन अगर फास्ट चार्जिंग भी इंक्लूड होती तो काफी अच्छी हो सकती थी, लेकिन टाइप सी वाली चार्जिंग है, हेडफोन जैक स्मार्टफोन में अवेलेबल है। अगर स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूं ना, तो यार ये 15,000 से 16,000 के दरमियान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी इतना ज्यादा पुराना स्मार्टफोन है और जो इसके स्पेक्स हैं वो काफी तगड़े स्पेक्स हैं आपके लिहाज से भी। तो आप इसको या तो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं OLX वगैरह से, या आपके घर के आसपास कोई भी बड़ी मार्केट आप वहां से बाय कर सकते हैं, ये आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में जो लास्ट स्मार्टफोन ऐड करने वाला हूं ना, ये किंग की तरफ से आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। एक वक्त में जो एक किंग हुआ करता था ना, बादशाह कंपनी, उसकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं इस रेंज में, 15,000 की रेंज में कोई कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो ये जो स्मार्टफोन है ये स्पेशली भाई आपके लिए बना हुआ है, और आपको इस रेंज में इससे बेटर कैमरा कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। जिस स्मार्टफोन की मैं आपसे बात करने वाला हूं, उसका नाम है Nokia G20। अगर स्मार्टफोन की बात करूं तो इसके अंदर आपको MediaTek का Helio G35 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली हर कंपनी यही प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा 6.52 इंच का नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 720p की रेजोल्यूशन है, तो यहां से भी कोई कमाल नहीं है। 4GB की रैम है, 64GB की स्टोरेज है, ये एक अच्छी चीज है कि आपको उसमें स्पेस एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी, और 4GB की रैम है, तो यहां से भी इशू नहीं आने वाला। इसके अंदर जो बैक कैमरा सेटअप है ना, वो काफी कमाल देखने को मिलेगा। क्वाड कैमरा सेटअप इसके अंदर आपको बैक पे देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि 15,000 से नीचे यार कोई भी कंपनी प्रोवाइड ही नहीं कर रही होती। साथ आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। अगर आप फ्रंट की बात भी करें तो फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। टाइप सी वाली चार्जिंग है, हेडफोन जैक स्मार्टफोन में अवेलेबल है। 5000mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग वगैरह तो इंक्लूड नहीं की गई, लेकिन इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल ये जो स्मार्टफोन है ये फुली पैकेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको अगर आप परफॉर्मेंस भी चाह रहे हैं, वैसे तो 15,000 से कम के स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस एवरेज देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपको अच्छे कैमराज या फिर आपको ज्यादा स्टोरेज वगैरह चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जरूर जा सकते हैं। अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूं तो ये आपको 15,000 से 16,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आप किस कंडीशन में इसको बाय कर रहे हैं, वैसे ये आपको 16,000 से कम ही देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ये आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके इन पांचों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन फेवरेट स्मार्टफोन है, या आपको अगर कोई बाय करना हो तो आप किस स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मैं जिस स्मार्टफोन आपको रिकमेंड कर सकता हूं इन पांच स्मार्टफोन्स के अलावा, वो आपको A20s सैमसंग का रिकमेंड कर सकता हूं। सैमसंग A20s आप इसको भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं, वैसे तो मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, इस वजह से इस स्मार्टफोन को मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आप कोई स्मार्टफोन ढूंढना चाह रहे हैं या आपको लेना चाह रहे हैं तो आप A20s की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपके इन स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको ज्यादा बेटर लगता है, या आपको कोई बाय करना हो तो आप किस स्मार्टफोन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।